स्वागत है आप सभी का ट्रेन योर ब्रेन में। और आज की वीडियो में हम करेंगे आरडी शर्मा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 10। हमें क्वेश्चन में दिया गया है इफ एडी इज इक्वल्स टू 8x-7। एडी क्या है हमारे पास? 8x-7। इसके अलावा डीबी इज इक्वल्स टू 5x-3। डीबी इज इक्वल्स टू 5x-3। और ए ई इज इक्वल्स टू 4x-3। ए ई इज इक्वल्स टू 4x-3। एंड ई सी इज इक्वल्स टू 3x-1। ई सी इज इक्वल्स टू 3x-1। हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करते हैं। We have DE parallel BC, हमें ऑलरेडी गिवन है। Therefore, by basic proportionality theorem, we have AD upon DB is equals to AE upon EC। इन सब की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। AD की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8x-7। DB की वैल्यू गिवन है 5x-3। AE की वैल्यू है 4x-3। और EC की वैल्यू है 3x-1। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। AD की वैल्यू लिखते हैं 8x-7 अपॉन 5x-3 इज इक्वल्स टू 4x-3 अपॉन 3x-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारे पास आएगा 8x-7 इंटू 3x-1 इज इक्वल्स टू 4x-3 इंटू 5x-3। इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 24x² - 8x - 21x + 7 इज इक्वल्स टू 20x² - 12x - 15x + 9। 24x² - 20x² - 29x + 27x + 7 - 9 इज इक्वल्स टू 0। हम ये सारी वैल्यू इस साइड से इस साइड ले गए तो हमारा इक्वल में 0 बचा। आगे सॉल्व करते हैं इसे। (4x²-2x-2) इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर इस पूरे में 2 कॉमन लेंगे। 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा हमारा 2x²-x-1 इज इक्वल्स टू 0। 2x²-x-1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों हुआ? ये 2 जो था हमारा मल्टीप्लाई में था तो ये यहाँ से उठ के 0 के अपॉन में चला गया, और 0 के अपॉन में जब 2 था तो 2 की कोई वैल्यू नहीं रही, इसलिए 2 गायब हो गया हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं इसे। 2x²-2x + 1x - 1 इज इक्वल्स टू 0।
टू एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये हमने करे थे यहाँ पर फैक्टर्स। आगे सॉल्व करते हैं इसे, टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू, और सेकेंड वैल्यू हमारी होगी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल्स टू वन। एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपकी निगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी है माइनस में, निगेटिव वैल्यू है ये। तो हमारी सेकंड वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, यही होगी हमारी एक्स की वैल्यू। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन, एक्स की वैल्यू आई है हमारी वन। इससे आगे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।